गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 17 नया जीवन, इसकी रीडिंग हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स भी कर चुके हैं। आज हम इसकी बुक फिल करेंगे। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए सभी अपनी बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 17 नया जीवन, बुक फिल करेंगे हम लोग। चलिए सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमें टिक द करेक्ट करने हैं। जिम्मी कहाँ की रहने वाली थी, केरल या राजस्थान? जिम्मी केरल के पेरिनचेरी के त्रिशूर ज़िले में रहती थी, तो यहाँ हम केरल पे टिक करेंगे। लोग कपड़े धोने कहाँ जाते थे, जिम्मी कहाँ गई थी अपनी दादी के साथ कपड़े धोने? खदान पर, खदान पर टिक करेंगे। डूबते हुए बच्चों को किसने बचाया, जिम्मी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य किसने कहे, यानी कि जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है हमें बताना है ये किसने कहे। खदान पर भीड़ हो जाएगी, ऐसा किसने कहा? ऐसा दादी ने कहा था, वो जिम्मी को कह रही थी कि खदान पर भीड़ हो जाएगी, जल्दी चलो। नंबर 2, दादी माँ आप चलो मैं अभी पहुँच जाऊँगी, ये किसने कहा? ये कहा जिम्मी ने। पेज टर्न करेंगे। जा इसे सूखने डाल आ, ये दादी ने कहा था जिम्मी से, उसको कपड़े दिए थे उन्होंने और तब कहा था जा इसे सूखने डाल आ। बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को, बच्चों को बचाओ, ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों की माँ ने, जिसके बच्चे डूब रहे थे। मेरी जिम्मी बहुत साहसी है, ये दादी ने कहा था। ठीक है, दादी ने कहा था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसकी सहायता से आगे बढ़ेंगे। जिम्मी बहुत कैसी लड़की थी, यहाँ पे दिया हुआ है साहसी, साहसी लिखेंगे फर्स्ट में। जिम्मी ने पानी में तुरंत क्या लगा दी थी, छलांग। नंबर 3, जल्दी करो, जिम्मी बहुत साहसी लड़की थी। नंबर 2, जिम्मी ने पानी में तुरंत क्या लगा दी थी, छलांग। जल्दी करो सूरज सर पर आ गया है, थर्ड में लिखेंगे सूरज। नंबर 4, जिम्मी बच्चे की टांग खींचकर कहाँ ले आई, किनारे, किनारे पे किनारे लिखें। नंबर 5, जिम्मी ने बच्चों को क्या दिया, नया जीवन। सही वाक्य की रचना करो, यानी कि हमें एक वाक्य दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है जो थोड़ा उल्टे सीधे तरीके से लिखा हुआ है, हमें इसे ठीक तरीके से लिखना है। मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखेंगे। दादी ने किया इशारा स्थान खाली देखकर, इसको लिखेंगे दादी ने खाली स्थान देखकर इशारा किया। नंबर 2, जा इसे डाल सूखने आ, सही वाक्य है जा इसे सूखने डाल आ। नंबर 3, अपना मुंह ली सांस निकाल पानी से, इसका सही वाक्य बनेगा अपना मुंह पानी से निकाल सांस ली। नंबर 4, जिम्मी अपनी बाहें में दादी ने ले लिया, दादी ने जिम्मी को अपनी बाहों में ले लिया। बाहें नहीं आएगा इसमें, बाहों आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नंबर 5, बहुत साहसी मेरी जिम्मी है, इसका सही वाक्य बनेगा मेरी जिम्मी बहुत साहसी है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये मात्रा लगानी है हमें चंद्रबिंदु वाली, और इससे हमें 5 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, ये 5 सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं ये आप ही के चैप्टर में से पिक किए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई वाक्य लिखना चाहें, कोई शब्द लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
नंबर एक पर लिखेंगे चांद, नंबर दो पर लिखेंगे छलांग, नंबर तीन बाह, नंबर चार मुंह और नंबर पाँच माँ। ठीक है, ये सभी हमने आपके चैप्टर में से ही लिखी हैं, चाहे तो आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वर्ड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है वो होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।